वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो में हमने ओपन शेव एज कर लिया है, ठीक है। आज हम बात करेंगे शेव करने की, एक्चुअली सेव करने की, शेव सेव आई डोंट नो, ठीक है। तो सेव करने की बात करेंगे, तो फिर से हमें क्या करना है, एक पहले तैयार एक बना लेते हैं मेन्यू आइटम, राइट। ये हमारा था शेव एज का, इसे कॉपी कर लिया मैंने और इसका नाम रख दिया आप शेव सेव, ठीक है। और मेथड का नाम रखेंगे हम सेव फाइल, ओके। अब ऊपर चल के इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा टी एफ सेव फाइल, ओके सिंपल। यहाँ पे होता है असली खेल शुरू। एक्चुअली क्या होना है कि इसे करना इतना सिंपल भी नहीं है। फिलहाल मैं खाली कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंटिंग सेविंग फाइल समथिंग, ठीक है। इसे रन करते हैं, क्या होगा यार, एक्चुअली अगर यहाँ मैंने कुछ टाइप किया, ठीक है, दिस इज समथिंग, और मैंने सेव पे क्लिक किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये फाइल का नेम अभी तक हमारे पास में नहीं है, ठीक है, तो ये एक नई फाइल में सेव करे, ठीक है। पहला टास्क हमारा सेव फाइल का ये है, लेकिन अगर हमारे पास में कोई फाइल ओपन है पहले से ही, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में यही फाइल ओपन है हेलो टी एक्स टी, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ मैं टाइप करूँ फिर इसे सेव करूँ, तब ये जो सेव एज नई फाइल सेव करने वाला ऑप्शन है वो ना आए, डायरेक्टली जो हमारी करंट फाइल ओपन है उसके अंदर उस फाइल को, इस वाले नए टेक्स्ट को सेव कर दें, ठीक है। तो ये दो टास्क हैं। तो पहला हम क्या करना है, अगर हमारी फाइल न्यू है तो हमें सेव एज को परफॉर्म करवाना है, ठीक है, नई फाइल क्रिएट करनी है, राइट। तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर ही क्लास के अंदर, मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया करंट ओपन्ड फाइल, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल दिया फाइल, सॉरी नॉट फाइल, इसके अंदर मैंने डाल दिया नो फाइल, ठीक है। इसका मतलब है कि अब तक इसके अंदर कोई फाइल ओपन नहीं है। जब भी हम कोई फाइल ओपन करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यार कि ओपन, सॉरी करेंट ओपन फाइल, ठीक है, जो आज होगी सेल्फ डॉट से एक्सेस करेंगे सेल्फ डॉट करेंट ओपन फाइल, इसके अंदर हमारा क्या आ जाए कि जो फाइल हमने ओपन किया है किसके अंदर थी, वो ओपन रिटर्न के अंदर थी, राइट। तो ओपन डॉट रिटर्न, सॉरी ओपन रिटर्न डॉट नेम, ठीक है, उस फाइल का नेम हमारे करेंट ओपन फाइल के अंदर आ जाए। इससे क्या होगा कि अगर हमने कोई फाइल ओपन नहीं किया है तो उसके अंदर नो फाइल रहेगा, अगर हमने कोई फाइल ओपन की है तो उसके अंदर करंट फाइल का नेम आ जाएगा, सिंपल, ओके। नाउ एक्चुअली तब परफॉर्म होना चाहिए जब ओपन डॉट रिटर्न हमने से ओपन किया, राइट, ओके। इफ कंडीशन किसे अंदर रखेंगे, राइट, कि जब हमारे फाइल के अंदर कुछ हो, यानी जिन फाइल को ओपन किया हो तभी सब चले, राइट। तो मैंने करंट ओपन फाइल के अंदर ओपन डॉट रिटर्न नेम डाल दिया, सिंपल। और सेम ऐसे ही जब हम किसी फाइल को सेव करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा टेक्स्ट टू सेव, ओके, जब भी किसी फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सेल्फ डॉट करंट ओपन फाइल में उस फाइल का नाम डाल देंगे, दैट इज़ एफ डॉट नेम, राइट। इतना करने के बाद अपने सेव फाइल के दोनों टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ करंट, दैट इज सेल्फ डॉट करंट ओपन फाइल के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, एक्चुअली इट इज नो फाइल, आई थिंक क्या था इसके अंदर, हाँ नो फाइल, अगर इसके अंदर कुछ नहीं है तो हमारा क्या हो, जो हमारा मेथड है सेल्फ डॉट सेव एज फाइल, ये कॉल हो जाए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर हमारा फाइल के अंदर कुछ नहीं है, जो भी हमारी फाइल ओपन की हुई है एक्चुअली वो अभी दिखाते हैं यहाँ पे, अगर हमारी ये वाली फाइल है जो भी करंट कोई फाइल यहाँ ओपन नहीं है, ठीक है, तो कुछ लिखा है इसके अंदर, हमने सेव पे क्लिक किया तो हमारा सेव एज वाला खुलना चाहिए, क्योंकि ये फाइल के अंदर कोई नेम नहीं है तो हमें नेम भी तो देना पड़ेगा ना फाइल को सेव करने के लिए, राइट। तो हमारा शेप एज कॉल हो जाए, सिंपल,
एल्स अगर उस करंट फाइल के अंदर कुछ नाम है, यानी हमारी कोई फाइल पहले से ओपन की हुई है, तब हम क्या परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ फाइल को ओपन करेंगे जो हमारी फाइल है, लेट्स से फाइल का नेम हमारे पास में इस बार है सेल्फ डॉट करंट ओपन फाइल, सिंपल। और कौन से मोड में ओपन करना है वो लिखना है, तो मोड हमारा यहाँ पे होगा W प्लस, या खाली W दे सकते हैं क्योंकि हमें फाइल में राइट करना है, ठीक है। तो W प्लस मैंने यहाँ पे दिया, उसके बाद में F डॉट राइट, फाइल के अंदर राइट करना है। क्या राइट करना है, दैट इज़ हम टेक्स्ट एरिया से जो भी हमारा लिखा हुआ है, सॉरी दिस इज सेल्फ डॉट टेक्स्ट एरिया, सेल्फ डॉट टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी लिखा हुआ है उन सबको गेट कर लेंगे, गेट, ठीक है, कहाँ से, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, सिंपल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइल को ओपन करना है, ठीक है, राइट मोड पे, और उस फाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट एरिया में टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा सेव करना है, सिंपल। और इस फाइल को बाद में क्लोज कर देंगे। अब यार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हमारी नई फाइल ओपन है लाइक दिस, ठीक है, तो अभी हमारा करंट फाइल ओपन के अंदर क्या है, नो फाइल, सिंपल। अब इसके अंदर कुछ भी टाइप किया, इस पे गए, सेव पे क्लिक किया, हमारा ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, सेव वाला मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे इफ सेल्फ डॉट करेंट फाइल इक्वल टू नो फाइल, मतलब क्या है इसका, कि अगर हमने जो फाइल ओपन किया उसके अंदर नो फाइल है, ठीक है, तो हमारा सेव एज फाइल वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, सिंपल। तो ऑटोमेटिकली हम इस वाले मेथड पे पहुँच जाएंगे और उस फाइल को हम सेव कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने फाइल को ओपन किया है, राइट, ये वाला मेथड, अगर फाइल को ओपन किया है तो क्या होगा यहाँ पे, कि करंट ओपन फाइल के अंदर उस फाइल का नेम आ जाएगा। तो अब जब हम सेव करेंगे तो वो ओपन वाली फाइल के अंदर ही सेव करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर करंट ओपन फाइल के अंदर कुछ नहीं है तो हमारा सेव एज खुल जाएगा, अगर कुछ है करंट फाइल नेम के अंदर तो हम उस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है, राइट मोड में, सिंपल। और जितना ही टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारा लिखा हुआ होगा वो सारा उस फाइल के अंदर लिख देंगे, सिंपल। नाउ अब इसे रन करते हैं, ओके, खुल गया। इस टाइम मेरे पास में जो मेरी करंट फाइल है उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मैंने लिखा हाय आई एम इंद्रजीत, ठीक है। अब मैंने सेव पे क्लिक किया तो यार सेव एज वाला बॉक्स खुल के आया, राइट। मैंने यहाँ पे से इंद्रजीत नाम से सेव कर दिया, होम डायरेक्टरी में कर दिया, ठीक है, ओके। एक्चुअली सेव नहीं हुआ है, ओके, लेट्स से इंद्रजीत एंड सेव, ठीक है। तो अभी जो करंट हमारा आइटम खुला हुआ है वो हमारा इंद्रजीत डॉट सॉरी इंद्रजीत डॉट txt खुला हुआ है, ठीक है। अब मैं जब इसे कुछ टाइप करता हूँ फिर से और फाइल पे क्लिक करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, तो जो हमारी पुरानी फाइल है ना ये उसी के अंदर सेव हो रहा है, ठीक है। हर बार एक नया सेव एज बॉक्स नहीं खुल के आएगा, ऐसे ही अगर मैं किसी फाइल को ओपन करता हूँ, वैसे ओपन मैंने किया, इंद्रजीत पे गया एंड ये वाली फाइल ओपन कर दी, ठीक है, awesome.txt, ओके। यहाँ मैंने कुछ भी लिखा, हालांकि उसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, और मैं सेव पे गया तो ये awesome.txt के अंदर इसने सेव कर दिया, राइट। तो हमारा बार बार सेव एज बॉक्स नहीं खुल के आएगा। तो सिंपली अगर हम सेव एज पे क्लिक करते हैं तो एक नई फाइल में सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने फाइल को ओपन करना देखा, अगर मैं किसी फाइल को ओपन करता हूँ, होम डॉट एनर्जी डेस्कटॉप एंड यहाँ हम ओपन कर रहे हैं awesome.txt को या hello.txt को, तो वो हमारा ओपन हो जाएगा, राइट, सिंपल। एंड अगर कुछ टाइप करते हैं, इसे सेव करते हैं तो हमारा सेव भी हो जाएगा, और अगर सेव एज करते हैं तो हमारी नई फाइल का ऑप्शन भी आ जाएगा सेव करने के लिए, ठीक है। तो यही हमें बेसिक फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी थी। अगर इस वीडियो को लेकर कोई कन्फ्यूजन है माइंड में तो यू कैन कमेंट, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।